ये महज एक किस्सा नहीं है जो किसी पब्लिक प्लेस, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह या किसी सुनसान जगह पर होता है। ये आज के समय का एक फैशन है जो कुछ गंदी सोच वाले लोग अपनाते हैं। वो ये सोचते हैं कि लड़की बेसहारा है, लड़की लाचार है, और इसी सोच के चलते उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत भी ऐसे ही होती है, हमारी और आपकी चुप्पी से। ये जरूरी नहीं कि हर बार लड़की खुद ही ऐसी चीजों का जवाब दे और हम सुनते रहें, या फिर यह भी जरूरी नहीं कि सब कुछ हो जाने के बाद हम बस मरहम पट्टी करने पहुंच जाएं। जरूरी यह है कि कुछ ऐसा होने से पहले ही रोक दिया जाए, और ऐसे किसी भी काम को जो किसी की आजादी को नुकसान पहुंचाता हो उसे रोकना हमारा फर्ज है। तो आइए आप और हम मिलकर आज ये प्रण लेते हैं कि आगे से अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ होता हुआ अगर हम देखते हैं या सुनते हैं तो चुप नहीं रहेंगे। याद रखिए, अगर आप यूं ही गांधी जी के तीन बंदर बने रहेंगे तो कल को ये आपकी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है, और या फिर हो चुका होगा।